हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका क्लिनिक प्रोडक्ट चैनल में स्वागत है। आज हम आपको 35 लीटर या 35 किलो लिक्विड डिटर्जेंट बना के दिखाएंगे, जो कि हमारा 25 रुपये लीटर में तैयार होगा। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का लिक्विड डिटर्जेंट बनेगा। इससे जो है अच्छे सफाई भी होगा कपड़े में और झाग भी बनेगा। और हमने इसका पूरा पीएच लेवल और जो भी इसका फॉर्मूला है पूरा मेंटेन करके, पूरा फॉर्मूला सेट करके, उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को अपना जो है वीडियो की शक्ल में बना के आपको दिखाया जा रहा है। इसके लिए हमने देखिए 25 लीटर जो है, ये 25 किलो जो है पानी हमने ले लिया है। इसके बाद हम इसमें 3 किलो एसिड सेलरी अपलोड करेंगे, इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे। 3 किलो एसिड सेलरी, एसिड सेलरी जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट इसमें से है, जो कि झाग और सफाई दोनों का काम करता है। एसिड सेलरी ऐसा केमिकल है जो हर प्रोडक्ट में डाला जाता है। ये केमिकल हर प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट पाउडर में, लिक्विड डिटर्जेंट में, डिश वॉश लिक्विड में, और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें इसको डाला जाता है। क्योंकि इसमें झाग भी है और सफाई भी है, दोनों चीज़ है, इसलिए इसको ज़्यादातर प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। फूड सिलेरी हमारा ये 3 किलो मैंने कहा, लेकिन ये 3 किलो एक पाव था, मैंने गलती से 3 किलो कह दिया था। 3 किलो एक पाव हमारा ये एसिड सेलरी था, जो कि हमने डाल दिया। थोड़ा बहुत जो इसमें रह गया उसको हम बाद में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसको डालने के बाद थोड़ा इसको घुमा देंगे प्लास्टिक का पाइप से, या जो है मिक्सर आता है, जो मिक्सर से भी आप मिक्स कर सकते हैं। हम लोग इसको प्लास्टिक का पाइप से ज़्यादातर मिलाते हैं। बराबर आपने वीडियो में हमारे देखा होगा कि हम प्लास्टिक के पाइप से इसको मिक्स करते हैं। इसके बाद अब इसमें डालेंगे हम हमारा कास्टिक लई, कास्टिक सोडा जो है हमने 700 ग्राम लिया था, जिसको हमने पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। 1 किलो 300 ग्राम पानी में हमने 700 ग्राम कास्टिक सोडा को मिक्स किया था। ये हमारा कास्टिक लई तैयार हो गया है, इसको इसमें डालेंगे। स्टिक सोडा डालने के बाद थोड़ा इसका रिएक्शन होता है एसिड सेलरी के साथ में, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा इसमें झाग भी बन रहा है, झाग जो है बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बनाने के बाद 24 घंटा इसको छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद में इसको बॉटल में फिल करेंगे, क्योंकि इसका जो केमिकल जो सारा इंग्रेडिएंट्स है वो सब एक दूसरे में आपस में रिएक्शन करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसको 24 घंटा छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद इसको मिक्स करेंगे। ये अभी से देखिए थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है प्लास्टिक सोडा का, इसमें एसिड सेलरी में रिएक्शन हो रहा है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे हमारा AOH लिक्विड, जो कि हमने 1 किलो 200 ग्राम लिया था। AOH लिक्विड जो है वो झाग को बनाने का काम करता है, झाग इसमें अच्छा बनेगा, इसलिए हमने AOH लिक्विड को मिक्स किया है। इसको डालने के बाद हम डालेंगे SLES लिक्विड, जो कि हमने 1 किलो लिया था। SLES लिक्विड ये 28% वाला है और एक 70% का भी आता है, तो 28% वाला जो है आप 1 किलो लेंगे, अगर 70% का रहेगा तो 700 ग्राम में भी इसमें हो जाएगा। और अगर SLS पाउडर आप अगर डालेंगे तो आधा किलो भी डालने से इसमें आपका इस फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। फॉर्मूलेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्वांटिटी। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। डालने के बाद में अब हमारा अगला इंग्रेडिएंट जो है वो है HTPP,
ये हमने 200 ग्राम लिया है, ये वाटर सॉफ्टनर है। एचटीपीपी डालने से ये खारा पानी में भी झाग जो है अच्छा बनेगा, इसलिए इसको डाला जाता है एचटीपीपी का। और ये वाटर सोलेबल भी है। इसके बाद अगला इंग्रीडियंट हमारा जो है ये पॉलीमर है। पॉलीमर इसलिए डाला जाता है कि जो गंदे कपड़े का जो दाग निकलता है जब वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो वो दाग साफ कपड़े में ना लग जाए, इसलिए पॉलीमर को यूज़ किया जाता है। वो 250 ग्राम में पॉलीमर डाला इसमें। आप थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको और हाई क्वालिटी का बनाना है अगर, तो थोड़ा ज़्यादा भी इस पर यूज़ कर सकते हैं। हमने 250 ग्राम लिया है पॉलीमर। आज हम इसमें नमक नहीं डालेंगे थिकनेस के लिए, क्योंकि हम आज एक केमिकल डालेंगे इसमें जो उसको थिक करेगा। इसके बाद हमारा ये प्रिजर्वेटिव है सिट्रिक एसिड, जो कि हमने 200 ग्राम लिया था। सिट्रिक एसिड डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कलर। ये जो है जो मार्केट में मिलता है आम कलर वही है, तोता छाप मिलता है, मुर्गा छाप कलर मिलता है, वही कलर है। ये 5 रुपये का कलर हमने इसमें डाल दिया है। देखिए इसका कमाल कितना ये कलर इसमें आते हैं। देखिए पूरा ब्लू हो गया है। इसमें हम आखिरी केमिकल जो हमारा डालेंगे ये है एक संथन गम पाउडर, जो 20 ग्राम हमने लिया था। इसको पानी में हमने डाइल्यूट कर लिया था। ये 600 ग्राम पानी में हमने 20 ग्राम एक संथन गम पाउडर को डाला था। ये थिकनेस प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोडक्ट को, उसके लिए हम इसको डालते हैं। इसमें मिक्स करेंगे। देखिए इसको डालने के बाद में हमारा लिक्विड डिटर्जेंट जो है पूरा ठीक हो जाएगा, इसका थिकनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। थिकनेस के लिए इसको डाला जाता है। ये जो इतना पतला है लिक्विड दिख रहा है आपको, ये पूरा गाढ़ा हो जाएगा ये डालने के बाद। 24 घंटा जब इसको छोड़ देंगे तो इसका सारा जो झाग है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो ये थोड़ा बहुत ऊपर में दिख रहा है एक्सम का मॉडल का वो भी अच्छी तरीके से डाइल्यूट हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा थिकनेस इसमें आ रहा है धीरे धीरे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा बचा है वो है परफ्यूम, जो कि हमने सर्फ एक्सल का लिया था, लेकिन इसको हम अभी नहीं डालेंगे। ये वाटर सोलेबल परफ्यूम है, ये हम इसमें 50 ग्राम डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। इसको जब हम मिक्स करेंगे, जब इसको 24 घंटा छोड़ने के बाद जब इसमें बॉटल में फिल करेंगे तब इसको डाल के और इसको बॉटल में फिल करेंगे, क्योंकि अभी अगर डाल देंगे तो इसका परफ्यूम जो है सेंट थोड़ा इसमें कम हो जाएगा, इसलिए इसको लास्ट में मिक्स करेंगे। जब हम इसको बॉटल में फिल करने वाले रहेंगे तब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए पूरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है प्रोडक्ट हमारा, जैसे जैसे ये हमारा सब मिक्स हो रहा है केमिकल। आज इसमें हमने नमक नहीं डाला है थिकनेस के लिए, क्योंकि हमने एक्जेंथम बम पाउडर का मिक्स किया है। जब इसको बॉटल में हम फिल करने वाले रहेंगे तो उसका फिर से अगला पार्ट उसको हम आपको वीडियो बना के दिखा देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।